Hi friends, this is Shakil J. Khan from Aisha Coaching Classes. Friends, today I will explain you what is gerund in English grammar. मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि gerund क्या होता है English grammar में. Gerunds are words that are formed with verbs but act as nouns. मतलब ये कि जिरन एक वर्ड होता है, जैसे कि वर्ब है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो यूज है, हम लोग करते हैं जैसे कि नाउन. सी द एग्जांपल, द वर्ब स्विम बिकम जिरन आफ्टर एडिंग आईएनजी लाइक स्विमिंग. मतलब ये दोस्तों कि जो वर्ब स्विम है, हमने उसमें लास्ट में आई एन जी ऐड किया तो वो क्या बन गया, स्विमिंग. नाउ स्विमिंग जो है वो एज ए नाउन हो गया है, तो उसे हम कहेंगे जिरन. सी द एग्जांपल, स्विमिंग इन द ओशन. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं स्विमिंग इन द ओशन, स्विमिंग का जो यूज है हमने एज ए नाउन किया है, दैट इज कॉल्ड जिरन. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द वर्ब ड्रीम. द वर्ब ड्रीम बिकम जिरन आफ्टर एडिंग आई एन जी लाइक ड्रीमिंग. तो जो वर्ब है ड्रीम, हमने उसमें भी आई एन जी ऐड किया. आफ्टर एडिंग आई एन जी, आई एन जी ऐड करने के बाद वो जो ड्रीम वर्ब है वो क्या बन गया, वो बन गया नाउन. एग्जाम्पल, I have been dreaming of summer all winter long. तो यहाँ पे जो ड्रीमिंग वर्ब है ing ऐड करने के बाद उसे हम gerund कहते हैं, उसका इस्तेमाल एज ए नाउन होता है. gerund को हम कहेंगे gerunds are the verbal nouns and also called as ing verbs which used as first सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे कि फिशिंग इज माई फेवरेट हॉबी. तो आप देख सकते हैं कि जो फिशिंग जिरन है, हमने सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको उसी से स्टार्ट किया है, तो वो जो फिशिंग है वर्क एज अ सब्जेक्ट, जो कि एक जिरन है. सेकेंड एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. यहाँ पे हम जिरन का यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा. शी लाइक स्विमिंग. तो आप देख सकते हैं कि स्विमिंग जो जिरन है वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा वर्ब का, जो कि लास्ट में आया है. थर्ड सेंटेंस देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. I am fond of reading. तो यहाँ देख सकते हैं आप, रीडिंग जो ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके एंड में आया है, उसके बाद में आया है. तो आप देख सकते हैं कि तीन एग्जाम्पल्स, दैट फर्स्ट वन दैट वी यूज जिरन एज अ सब्जेक्ट, इन सेकेंड एग्जाम्पल वी यूज जिरन एज अ ऑब्जेक्ट, एंड इन थर्ड एग्जाम्पल वी यूज जिरन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जिरन नाउ.